हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 में जो गलत प्रश्न आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने गलत प्रश्न आए हैं और कौन कौन से गलत प्रश्न है। ठीक है, तो मैंने क्या है जो वीडियो के अंदर के लास्ट में अटैच किए क्वेश्चन कौन कौन से गलत है आप उनको क्या देख सकते हो अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे जो अभी जो क्वेश्चन है गलत है, ठीक है, या जिनके ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो वो क्या डिलीट होंगे या बोनस होंगे, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। और दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा देना, जिससे क्या होगा हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि जो एग्जाम हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का उसके अंदर जो इतने सारे रॉन्ग क्वेश्चन है वो क्यों आए हैं। ठीक है दोस्तों, जो पेपर के अंदर गलत क्वेश्चन डाल जाते हैं इसके पीछे जो एग्जामिनर होता है एग्जाम बनाने वाला उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि अगर गलत प्रश्न डालता कोई ऐसा होता है कई बार क्या बहुत इजी क्वेश्चन का गलत ऑप्शन दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट को लगता है ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है लेकिन इसका ऑप्शन क्यों नहीं है, इस वजह से उसका क्या माइंड वहाँ अपसेट हो जाता है, उस चक्कर में उस क्वेश्चन में वो टाइम वेस्ट कर देता है और एग्जाम के अंदर क्या लिमिटेड टाइम होता है, और ये एग्जामिनर चेक करता है कि वो क्या इस क्वेश्चन को आगे स्किप करता है या फिर इसको अटैम्प्ट करता है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन को भी, इसलिए जानबूझ के गलत क्वेश्चन डाले जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए, इस एग्जाम में क्या हुआ कि लगभग 7 क्वेश्चन है मेरे पास, 7 क्वेश्चन की एंट्री आई है जो क्वेश्चन क्या रॉन्ग बताए जा रहे हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर भी है, हिंदी के अंदर भी है, ठीक है, और जीके के अंदर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के अंदर के रॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को आगे चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूँ मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो इस भर्ती की उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो में नीचे जो वीडियो का लिंक है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर के पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके उसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से अपना कमेंट सेक्शन देख लेना और जो अपना स्कोर है वो नीचे आप कमेंट में कमेंट कर देना कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है, जिससे एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसकी जो मैंने क्या आगे लिस्ट बनाई है एक एक करके, हर स्लाइड के ऊपर एक क्वेश्चन है, किसी में दो क्वेश्चन है, तो आप चेक कर लेना जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कि कौन से क्वेश्चन आपने जो किए वो रॉन्ग है, आपका बोनस होगा या डिलीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले आपको बताऊँ मैं कि अगर देखो क्वेश्चन क्या डिलीट होते हैं, क्वेश्चन के डिलीट होते हैं, तो डिलीट होते हैं तो उस कैंडिडेट को नुकसान होगा जिसने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं और उसने भी जो काउंट किए हैं वो क्या सही किए हैं, तो उस कैंडिडेट को क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, उस कैंडिडेट को लॉस होने वाला है ऐसे केस में। अगर ऐसा होता है तो कभी जो राजस्थान पुलिस के पीछे क्या वैकेंसी आई थी, ठीक है, राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर क्या हुआ था, एक दो क्वेश्चन क्या है रॉन्ग आए थे, जिन्हें मल्टीपल ऑप्शन थे, उन्होंने क्या किया उन क्वेश्चन को नेगलेक्ट करने के बजाय क्या किया, उन्होंने नेगलेक्ट नहीं किया, नेगलेक्ट के बजाय उन्होंने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन आया था उसको क्या उन्होंने बोनस दे दिया, सबको क्या कर दिया बोनस दे दिया। तो बोनस दे दिया तो इसमें क्या सबका फायदा होता है, जिन्होंने किया होता है उनका तो है ही, जिन्होंने क्वेश्चन ये नहीं किया जैसे किसी कैंडिडेट ने किया 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ठीक है, जो ये 7 क्वेश्चन है ये अटैम्प्ट इसने नहीं किए, अगर ये क्वेश्चन के बोनस हो जाते हैं, ठीक है, बोनस हो जाते हैं तो इसके देखो ये 7 क्वेश्चन के ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ जाएंगे, तो इसके अटैम्प्ट कितने हो जाएंगे 87 हो जाएंगे, जिसमें से अगर 7 तो इसके ऑलरेडी एक करेक्ट होंगे, बाकी इसमें 80 में से देखो क्या होता है, तो इसको किस कैंडिडेट को फायदा हो जाएगा अगर ये नेगलेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे उसने 80 क्वेश्चन किए और नेगलेक्ट होते हैं, उसने वो 7 क्वेश्चन नेगलेक्ट है ना किए ना इसके अंदर इंक्लूड है, तो उसके क्वेश्चन कितने बचेंगे 73 बचेंगे, अगर 7 क्वेश्चन नेगलेक्ट हो गए तो इस कैंडिडेट के चांसेस क्या बहुत लो हो जाते हैं, तो ये फायदा फर्क पड़ेगा। ठीक है, और एक बार के ऑफिशियल आंसर किया जाए उसके बाद क्या जो रिट है मैं लगा दूंगा। ठीक है, जो गलत क्वेश्चन होंगे या फिर मैं दोबारा एक बार आंसर किया जाए उसके बाद क्या एनसीईआरटी से अपन के मैच कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जो चीज़ जल्दी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन मैच कर लेंगे, तो उससे पूरा आइडिया लग जाएगा चीज़ें कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब अपन बढ़ते हैं जो गलत क्वेश्चन कौन कौन से है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ सुरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या करंट अफेयर के है, जो कि इसका उत्तर रामगढ़ विस्तरीय अभ्यारण्य, ये 8 अगस्त 2021 को अनुमोदित किया गया था। ठीक है, अभी लेटेस्ट करंट का ये 18 का आपका एग्जाम है, 18 तारीख का करंट इसने पूछ लिया, आप देख सकते हो, जो कि क्या करंट जीके का प्रश्न है जो सिलेबस में नहीं है, जो ये आपके क्या सिलेबस के अंदर नहीं है, तो ये प्रश्न 100% डिलीट होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, और आपने इसको
करेक्ट अटैम्प में जोड़ा है तो ये क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है दोस्तों, डिलीट होने वाला है। इसके बाद में बढ़ते अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अपना आज का दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। यह प्रश्न भी क्या सिलेबस के अंदर नहीं है, क्योंकि आयोग सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो आयोग का है ना, आयोग का पार्ट वो सिलेबस के अंदर नहीं है, तो यह प्रश्न भी 100% क्या डिलीट होने वाला है। तो आप देख सकते हो यह प्रश्न भी क्या डिलीट होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी का रंध्र अवकाश वाला प्रश्न भी डिलीट होगा। ठीक है, क्यों होगा? इसका रीजन ये है क्योंकि इसका उत्तर क्या है, 43.39 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यह प्रश्न भी 100% डिलीट होगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन दिए हुए थे उनके अंदर क्या है, एक्चुअली के अंदर ये जो है ना 43.39 ये दिए नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, लोकोरिस इस नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसका उत्तर जो सही क्वेश्चन उत्तर क्या था, मलेटी था। ठीक है, यह प्रश्न में सिलेबस से बाहर है, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन में क्या डिलीट होने वाला है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नलिखित दवाओं में से कौन से जानवरों के इस्तेमाल के लिए होने वाली कृषि नाशक दवा है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। और इसके अंदर क्या दिया है, इसका आंसर ये है, और जो आपका है ना जो अभी की बताई गई है कोचिंग है, तो उनका क्या है, इसका उत्तर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट और आयरमैंगनेट दोनों। ठीक है, तो यह प्रश्न में क्या डिलीट होगा, मतलब ऑप्शन के ये इसके क्या है, दो ऑप्शन है ए और, मतलब जो दो ऑप्शन इसके अंदर क्या करेक्ट आ रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन किसी ने ऐसा होगा, इसके अंदर दो ऑप्शन करेक्ट है, तो किसी ने ए कर दिया और किसी ने बी कर दिया, इसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो कन्फ्यूज हो गए होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का भी दो ऑप्शन है, तो ये क्या डिलीट होने वाला है। साथ में आपको बता दूँ, ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि इसके दो ऑप्शन है। ठीक है, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट है और दूसरा ये ऑप्शन है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे दो ऑप्शन है ना, जैसे एक के अंदर ये दे रखा है और बी के अंदर ये दे रखा है, तो बोर्ड ऐसा भी कर सकता है, जैसे अगर किसी कैंडिडेट ने इन दोनों में से एक को रखा है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी कर रखा है, तो उसका तो क्या करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया उसका अटैम्प्ट हो गया नहीं, तो ये डिपेंड करता है बोर्ड पे, वो क्या उनकी थिंकिंग रहती है इसको लेकर। ठीक है, ऐसे पहले ही अपने सबके आइडिया लगाते हैं कि ऐसे हो सकती है, लेकिन हो सकती है ऐसा। इसके बाद हिंदी का कौन, हिंदी का भी एक वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या डिलीट होने वाला है, उसके अंदर क्या गलती बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बकरे की नस्ल वाले क्वेश्चन है, जिसके अंदर के टोगनवर्म और बर्बरी दोनों की विदेशी नस्ल है, जो मैंने बताया था पहले भी, एक विदेशी नस्ल से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें क्या है, जो बर्बरी नस्ल है ये अफ्रीका की आपको पता है, और ये भी क्या है विदेशी नस्ल है। क्वेश्चन में आपको विदेशी नस्ल पूछा था, दो ऑप्शन दे रखे थे, इसमें क्या दोनों ऑप्शन सही होंगे, और ये क्वेश्चन में क्या डिलीट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, या फिर जिन कैंडिडेट ने किया उनके लिए क्या होगा, ये बोनस होगा। ठीक है, जिन कैंडिडेट ने इसको अटैम्प्ट किया उसके लिए क्या होने वाला है, बोनस होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आ रही हो। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। इससे पहले आपको बता दूँ, जो कमेंट सेक्शन है नीचे, आपको वहाँ पर अपना स्कोर है ना कितने आ रहे हैं, जो आपने आंसर ऐड किए, और जो अभी जो मैंने बताया इन क्वेश्चन को ऐड करने के बाद आपके कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और इनका मैं रिप्लाई पर्सनली दे दूंगा कि आपका क्या स्कोर कैसा है, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।